दुर्ग जिले के भिलाई शहर में आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल वर्ग का फाइनल मुकाबला सोमवार को संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबले में यूक्रेन के वलदिस्लाव और लुआ यूक्रेन के खिताब जीत कर कब्जा कर लिया है, और वहीं यूक्रेन ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए निकी कालियांडा पुनाजा को हराया। और लोबा यूक्रेन ने यह मैच 6-1, 6-4 से जीता है और इसके साथ ही सिंगल वर्ग का खिताब पर कब्जा कर लिया। मैच के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें खासियत है कि वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट मिलता है और खिलाड़ी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट खेलते हैं। ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, आईटीएफ के तरफ से आयोजित किया जाता है और इसका खासियत है कि इसमें वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट मिलता है और ये वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं और ये रैंकिंग अपना ऊपर करते हैं। हमारे जूनियर प्लेयर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लगातार साल में कम से कम 15 टूर्नामेंट कराते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और उसमें से एक ये टूर्नामेंट पूरे इंडिया में 3 अलॉट हुए थे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा, जिसमें हमने एक हमें अलॉट हुआ। Well, the war started almost a year ago, and at first maybe 3 months, it was very tough mentally to focus on tennis and play because I didn't know what's going on with my family, with my